हेलो गाइस, वेलकम टू लवनी ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह उठे हैं और इसका थोड़ा सा मींस कि लैब टेस्ट कराना था बिकॉज पिंपल्स के चेहरे में आ रहे हैं। तो कितना खून लेके चल गया लवली तुम्हारा? 1 लीटर पूरा अपसेट है। और अभी ये रात से ही प्लान कर रही है कि चलो मैसूर चलते हैं, मैसूर चलते हैं। तो हम लोग प्लान किए हैं कि चलो सैटरडे मॉर्निंग निकलते हैं बाइक से मैसूर के लिए। क्या पैकिंग हो गया? होटल बुक हो गया? कहा एक जगह होटल बुक किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। पता नहीं क्या दिक्कत है हम लोगों से उनको। इसको थोड़ा अच्छा वाला होटल चाहिए, तो ये बेचारी बुक की वहां से कैंसिल कर दिया। रिफंड तो कर ही देंगे, बट उसको वो वाला पसंद था। सेकंड टाइम भी ट्राई की तो नहीं हो रहा है बुकिंग। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं और पैकिंग करते हैं, आपको ये दिखाते हैं हम लोग का ट्रिप कैसा रहता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये हम लोग का फर्स्ट बाइक ट्रिप होगा आई गेस, तो एक्साइटेड है। क्या 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 बोल रही है? हम दोनों का मिनी हनीमून होने वाला है। वाह रे वाह, हम लोग तो एक्साइटेड तो है। बाइक से जाने का प्लानिंग किए हैं। पहले हम लोग सोच रहे थे आराम से कैब से जाएंगे, फिर हम लोग सोचे इतना अच्छा मौसम है तो क्यों ना बाइक से जाए, क्योंकि 150 किलोमीटर ही है यहाँ बैंगलोर से। तो सोचे एंजॉय करते हुए जाएंगे ब्रेक लेते हुए। तो आपको दिखाते हैं कैसा रहता है ये ट्रिप। और ये घड़ी आप बताइए कैसा लग रहा है। इसको लवली को मिला है बर्थडे गिफ्ट, तो ये लेके आई है दिल्ली से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइएगा कैसा लगा। और चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्या होता है। हाय गाइस, आज का हमारा पूरा दिन वेस्ट हो गया। आज पूरे दिन लगातार बारिश हुई और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम अब क्या करें, बाइक से कैसे जाए। तो लास्ट में हमने डिसाइड किया कि हम कैब से जाते हैं, लेकिन बाइक से जाने का हमारा बहुत मन था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था बारिश को देखते हुए क्या करें क्या नहीं। फिर हमने सोचा कि हम रेनकोट ले आते हैं और हम रेनकोट खरीद कर ले आए और हम फाइनली डिसाइड किया कि हम बाइक से ही जाएंगे। तो ये रहा मेरा रेनकोट और इनका वाला रेनकोट मैं आपको दिखाती हूँ। इनका वाला मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। ये मोटा सा भारी सा रेनकोट, मेरा तो हल्का सा है, मेरे को बहुत पसंद आया। तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे बाइक से, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, हम तो बाइक से ही जाके रहेंगे। और ये हमारे पतिदेव को मैं आपको दिखाती हूँ मिरर में। ये देखिए, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं और मैं आज का पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया यही डिसाइड करने में हम कैसे जाए कैसे नहीं। और होटल भी हमारा बुक नहीं हुआ था, एंड टाइम की शाम को जाके कहीं हमारा होटल बुक हुआ है। और फिर मैं इनको तब से बोल रही हूँ कि अब हम पैकिंग करते हैं, लेकिन ये आधे देर फोन देखते हैं और फिर अभी काम करने बैठे। और कब करेंगे हम पैकिंग? ये काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करोगे, उस बात होगी पैक काम नहीं हुआ पैकिंग कब करेंगे। अरे भाई थोड़ा दो, ऑफिस का भी काम जरूरी, इसी से रोजी रोटी चलती है। तो काम कम्प्लीट होगा। हाँ, ये तो जरूरी है, काम कम्प्लीट होगा फिर करते हैं। अभी डिनर बनाना भी बाकी है, अभी डिनर भी बनाएंगे और फिर साथ में पैकिंग करेंगे। और सुबह सुबह निकलना है हमें 4 बजे। अब बस भगवान करे कल बारिश ना हो, हम सूखे सूखे पहुंच जाए। ये लड़की इतना कंफ्यूज की कभी बोलती है कि चलो कैब से चलते हैं। ठीक है चलो कैब से चलते हैं, बारिश को बाइक से जाने का मन है मेरा। मतलब ठीक है बाइक से चलते हैं, बोलते नहीं नहीं कैब से भींग जाएंगे। फिर लास्ट में बोली कि ना ठीक है जो होगा बाइक से जाएंगे। तो फिर मैं बोला चलो रेनकोट खेल लेते हैं ताकि रेनकोट से आराम से पहन के जाएंगे तो मजा आएगा ना। हमारा पहला बाइक ट्रिप है शादी के बाद, मिनी हनीमून, तो हम बाइक से जाएंगे अब। वाह, पहली बार हम दोनों मैसूर जा रहे हैं। पहले आप गए हैं क्या? मैं तो बहुत बार जा चुका, तुम पहली बार जा रही हो। शादी से पहले हर जगह घूम आए हैं, है ना? मैसूर में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ करता था इंफोसिस का, ठीक है? तो वहां पे तो मैं रहा हूँ 4 महीना। हाँ मैं घूमा ज्यादा नहीं हूँ, यानी कि मैसूर में उतना दिन रह के फिर भी मैं मैसूर पैलेस नहीं घूमा हूँ। और तुमको हिस्टोरी पैलेस तो पसंद है तो चलो। हाँ मुझे बहुत पसंद है। हम डिनर बनाएंगे और फिर उसके बाद जब तक आप अपना काम खत्म कर लेंगे फिर आप मेरी पैकिंग में मदद करेंगे कि मुझे क्या क्या कपड़े ले जाने हैं आप डिसाइड करेंगे। यस बॉस। पक्का? यो फटाफट आप काम खत्म कर लो, 1 घंटे में हो जाएगा ना। यो आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। तो हम सुबह सुबह 4 बजे निकलेंगे और सुबह सुबह उठ के कैसे कैसे सारा काम करते हैं, बस कल के दिन बारिश ना हो जाए निकलते टाइम। रास्ते में जितनी बारिश होनी हो जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास रेनकोट है।
तो दिखाते हैं आगे हम आपको कि आगे हम क्या कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और सुबह सुबह 4 बजे निकलने का प्लान है और देखते हैं उसमें कितना सक्षम होते हैं। अभी पैकिंग भी नहीं हुआ और यहाँ स्प्राउट्स डाल रही है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए। एक्सेस भी मत डाल देना, ये बोल रही है खाली पेट निकलना नहीं है तो इसके लिए स्प्राउट्स डाल रही है। तो बस स्प्राउट्स खा के निकल जाएंगे, आप और कुछ खाएंगे? चाय नहीं पी सकते हैं? पी सकते हैं, आपको आपका मन होगा तो चाय पी लीजिएगा, बट सुबह सुबह बोलते हैं दूध खा के नहीं निकलना चाहिए। तो अब हम डस्टबिन नीचे फेंक के आते हैं और थोड़ा सा वॉक करके आते हैं और फिर आके हम पैकिंग करेंगे। डस्टबिन फेंकना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि पता चला आया पिल्लू हो गया जी तो ये रहा, उठाओ इसको, वो वाला तुम उठा लो, मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो हम लोग 2 डस्टबिन मेंटेन करते हैं, एक ड्राई वाला एक वेट वाला, तो और उसको सेपरेटली फेंकते हैं। पूरा अंधेरा हो गया गाइस, लग रहा सब लोग सो रहे हैं। तो अभी हम लोग वॉकिंग के लिए निकले हैं डस्टबिन फेंक के और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा रात का, पूरा सांसान सान सा है। देखिए गाइस, तो थोड़ा घूम ले रहे हैं और मौसम इतना अच्छा हो रखा है, वॉकिंग का अलग ही मजा है। यहाँ हल्का हल्का बारिश हो रही है, अरे सॉरी यार घर वापस चलना चाहिए क्या? चलते चलते अभी जाएंगे, सुबह भी पता नहीं। यहाँ पर हल्का हल्का बारिश हो रही है गाइस, इसलिए हम लोग वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, देखो मज़ा आ रहा है ना ठंडा ठंडा। हाँ बट भींग जाएंगे तो बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए सोचे चल जाते हैं। कल ऐसे भी भींगना ही है मोस्टली हम लोग को लग रहा है, सेफ्टी रखते हैं। ठीक है गाइस, अब चलो पैकिंग कर लेते हैं पहले, फटाफट पैकिंग कर लो। नहीं तो सुबह एकदम पैकिंग वैकिंग नहीं होगा, सीधा सीधे अभी पैकिंग कर लो। हाँ। और उस टाइम मत सोना, लास्ट टाइम 4 बजे निकल ही जाना है। हाँ, अभी कर लेते सारा काम। तो गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं घर का स्थिति, ये देखिए पूरा पलंग पे बिथार दी है, इधर नहीं इधर भी पूरा, यानी एक दिन का ट्रिप में ये हाल है। लवली कुछ बोलना चाहोगे तुम इस पे? एक दिन का ट्रिप का आने जाने का कपड़ा हो गया, फिर वहाँ नाइट ड्रेस हो गया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गया, बहुत सारे कपड़े हैं यार, एक दिन का कपड़ा थोड़ी ना है। मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि इतने सारे कपड़े, और लड़कियों को ज्यादा कपड़े लगते हैं कि क्या ही बताऊँ, इतना प्लानिंग एक दिन के लिए, अच्छा वो एक सप्ताह के लिए नहीं जा रहे, नहीं तो कपड़ा का ही प्लानिंग करते रह जाते हैं। मैं आपको अपना रेनकोट दिखाता हूँ, ऐसे फेंक दी है मेरे रेनकोट को, ये देखिए गाइस, मैं बहुत खुश हूँ अपना रेनकोट से। मैं भी बहुत खुश हूँ अपने रेनकोट से, मस्त सा है, सुहाना सा, या इसमें ठंड भी नहीं लगेगा, पूरा मोटा है तो मैं सोचा बाइक चलाऊंगा तो ठंड लगेगा, और मैं ग्लव्स खरीद के लाया अपने लिए ताकि मैं ठंड में ना पड़ू। तो ये मेरे से ज्यादा तो आपने शॉपिंग कर ली खुद के लिए ट्रिप के लिए, रेनकोट लिया हूं सिर्फ, बस दैट्स इट। और गाइस इसका जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ पैकिंग, कब तक खत्म होगा? बस फटाफट आप हेल्प करो, ट्रॉली में लेके जाएगी लगता है ये, मैं कॉलेज बैग में लेके जाऊंगी क्योंकि हम बाइक पे जा रहे हैं ना, तो बाइक पे ट्रॉली कैसे एडजस्ट करेंगे, इतना सामान है, इतना सामान है और इस बैग में ये हटाएगी, मैं भी देखता हूँ कैसे हटाती है ये, मैं एडजस्ट करके दिखाऊंगी आपको। हाँ हाँ अच्छा पूरा। अच्छा एक चीज मिसिंग है लवली, क्या? वे जो मेकअप किट यार, मेकअप के बिना कैसे जाएगी यार, ज्यादा कुछ थोड़ी है, बस मॉइस्चराइजर है मेकअप किट में, कहाँ दिखाओ तो जरा, पूरा मॉइस्चराइजर। अच्छा इधर निकाल करके ये देखिए, सिर्फ मॉइस्चराइजर के नाम पे क्या क्या निकाल के रखी है, बाप रे बाप इतना सामान, ये एक बैग में तो इतना सामान ही अटेगा।
तो गाइज अभी सुबह सुबह निकलने का प्लानिंग है, तो सोच रहे जल्दी से पैकिंग करके सो जाए ताकि सुबह सुबह उठे और रवाना हो जाए। तो कुछ बोलना चाहोगे? तो हमारा फर्स्ट ट्रिप है ना अकेले में। हाँ फर्स्ट मतलब कि लोकल तो ऐसे बाइक से घूमते रहते हैं, बट ना थोड़ा मतलब कि 150 किलोमीटर में पहला ट्रिप है साथ में, वो भी बाइक से, तो ठीक है अच्छी बात है। बस बारिश ना हो, रेनकोट की जरूरत ना पड़े, सूखे सूखे जाए, बस ठंडा ठंडा मौसम हो, प्यारा प्यारा सा सुहावना मौसम हो बस। वो तो आपको दिखते रहेगा ब्लॉग में गाइस कि कैसा रहा क्या रहा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नया है तो। तब तक के लिए बाय।